नगर निगम दुर्ग द्वारा दुर्ग की महत्वपूर्ण ठगड़ा बांध के सौंदर्यकरण कार्य में हो रही लेट लतीफी पर तंज कसते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी दूरदर्शिता। इस दूरदर्शिता के कारण ही जनता के पैसों का सदुपयोग हो पाता है, किसी योजना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। अगर दूरदर्शिता की कमी हो तो योजनाएं फेल हो जाती हैं। उन्होंने दुर्ग के ठगड़ा बांध का उदाहरण देते हुए कहा कि ठगड़ा बांध सौंदर्यकरण व विस्तारीकरण का कार्य लगभग 16 करोड़ रुपए से संपन्न होने वाला था, जिसमें से 7.5 करोड़ रुपए दुर्ग निगम ने खर्च कर दिए। शेष राशि खनिज न्यास विधायक निधि सहित अन्य मद से आने वाली थी, जो नहीं आई, क्योंकि दुर्ग के जनप्रतिनिधि की योजनाएं लगातार फेल हो रही हैं और इसका खामियाजा दुर्गवासियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ठगड़ा बांध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। एक जनप्रतिनिधि की, एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसकी दूरदर्शिता। उस दूरदर्शिता के कारण ही वो जनता का पैसा अच्छे तरह यूज कर पाता है, किसी योजना को सफल बना पाता है, और उसकी दूरदर्शिता अगर ठीक से नहीं होती है तो वो पैसा असफल हो जाता है, वो योजना सफल हो जाती है। ऐसे ही हमारी एक नगर निगम की योजना है ठगड़ा बांध। हर कोई इंसान जानता है यहाँ पर कि आज जब से नई टीम गठित हुई है, जो नगर निगम में जो अधिकारी और अधिकारियों की नियुक्ति हुई है और जो जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति हुई है, उसका वो किनके हाथ में है, हर काम, छोटे से छोटा काम उनसे पूछ के किया जाता है। हर योजना में, हर योजना का वो योजना करते हैं, वो तब वो पास होता है। और ऐसी योजना ठगड़ा बांध जो कि 16-16.5 करोड़ की थी, 7.5 करोड़ नगर निगम का उसमें लगा दिया गया है, लेकिन बाकी की जो रकम आने वाली थी, 2.5 करोड़ खनिज न्यास से आने वाली थी, 2 करोड़ रुपए विधायक अपनी निधि से देने वाले थे, जो कि उन्होंने घोषणा भी की थी, और 4-4.5 करोड़ रुपए नल की जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, नल घर का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और गंजपाला का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहां से आने वाला था। वो दुकानें बिक नहीं रही। क्यों नहीं बिक रही है? क्योंकि आप उस योजना में भी फेल हुए, क्योंकि आपने वैसे वो बनाया ही नहीं कि व्यवसायी उसमें इंटरेस्टेड हो, जल्दी से जल्दी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। आपकी हर योजना फेल हो रही है, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप अपने घर से नहीं भुगत रहे, उसका खामियाजा भुगत रहा है हमारा दुर्ग का वासी, जिसने अपनी शर्ट नहीं खरीदी, अपने चप्पल नहीं खरीदे, लेकिन नगर निगम का टैक्स भरा। उस नगर निगम के टैक्स से आपने उस ठगड़ा बांध में 7.5 करोड़ रुपए लगा दिए, जो कि अधूरे में पड़े हुए हैं। आप कभी अगर वहां जाए तो वो देखे कि 7.5 करोड़ लगे कहां है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने से काम के लिए इतना 7.5 करोड़ लग गया। खैर, ये तो दूसरा विषय। आज उसे पूरा करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि अक्षम दिखाई दे रहे हैं। वो उनकी ना तो प्रशासन में पकड़ है और ना ही शासन में पकड़ है, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। उसका अब खामियाजा दुर्ग की जनता वहन करेगी। हमारी एक गुजारिश है शासन और प्रशासन से कि ये इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो अपने मत से, किसी मत से उसे पूरा करें, पैसा दें और पूरा करें। नहीं तो एक आम जनता का पैसा वो बर्बाद हो रहा है वहां पर, और उसका कोई भविष्य आज दिख नहीं रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमारे जनप्रतिनिधि की वो दूरदर्शिता उन्होंने